नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से नहा लेना। अगर आपको नहाने में कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको नहला देंगे। अच्छा जी, मुझे आता है नहाना। वो तो हमें मालूम है, और क्या क्या आता है। छोड़ोगे तो बताऊंगी ना। हम आपको छोड़ देंगे तो आप यहाँ से भाग जाएंगे। अगर आप इसी तरह मुझे तंग करोगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए भाग जाऊंगी। नहीं सुधा, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। हमारी हालत भी कुछ ऐसी है, मगर क्या करूँ, तुम समझते नहीं हो ना, औरतों की कुछ मजबूरियाँ होती है। जब भी तुम औरतों को प्यार करने लगो ना तो मजबूरियाँ सामने लेके आ जाती हो। अब छोड़ो मजबूरियाँ मजबूरियाँ और मेरी बाहों में बाहें डाल के आ जाओ। तुम मर्द लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है, औरतों की मजबूरी नहीं समझती है, बस हर वक्त प्यार की मूड में रहते हो। अरे प्यार ही तो कर रहा हूँ अपनी बीवी से। सुनो, अगर तुमने इनकार कर दिया ना तो पड़ोसी की बीवी को लाइन मारना शुरू कर दूंगा। अरे यार, कम वक्त इसी वक्त बजना था। हेलो हेलो अवन, मैं विनोद बोल रहा हूँ। अरे कौन विनोद? विनोद खन्ना एक्टर या विनोद कामली क्रिकेटर? अरे यार क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहा है। अच्छा अच्छा बोल, कैसे है तू? मैं तो बहुत मजे में हूँ यार। अपनी बीवी तो मायके गई हुई है, अपना तो सर कढ़ाई में और पांचों उंगलियां घी में। मेरी बीवी मुझे छोड़ के एक दिन भी चली जाए ना तो मैं इसके बिना जी नहीं सकूंगा, पागलों की तरह ढूंढता रहूंगा। अरे तेरी हालत पागलों जैसी होती है ना भाई, अपनी थोड़ी होती है। तू तो रोज एक ही फिल्म को बार बार देखता रहता है। अरे मेरी तरफ देख भाई, मैं तो रोज नई नई टॉकीज में पिक्चर देखता हूँ। एक बार तू मेरे साथ बाहर चल के बाहर की पिक्चर देखेगा ना तो अपने घर की टीवी सीरियल को भूल जाएगा। अरे यार तेरी बातों से ना बेवकूफ की बू आती है। अब देख, तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली गई है, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी, ऐसे काम करूंगा तो? अरे चली जाएगी तो क्या हुआ, अच्छा है ना, तभी तो तू बाहर ऐश करेगा। अरे यार छोड़िए बातें। अच्छा ये बताओ ऑफिस कब आ रहा है? मैं ठीक 10 बजे पहुंचूंगा। क्या 10 बजे? 10 बजे आके करेगा क्या तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे यार तबीयत खराब है इसीलिए तो 10 बजे पहुंच रहा हूँ। वो क्या है ना कि मैंने एक लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और सुन, तू जल्दी नहीं आना, थोड़ा लेट आ रहा। हाँ समझ गया ना? मतलब? अरे मतलब भी समझाना पड़ेगा तुझे, मतलब वही है यार, तो समझाना। अरे यार तेरी जो ये हरकतें है ना, देख तेरे को एक दिन बहुत बहुत तकलीफ देंगी। और तू जो तू ऐसे रिश्ते कभी भी बना लेते ना किसी भी औरत से, ये अच्छे नहीं है। आजकल तुझे मालूम है कैसी कैसी बीमारियां फैल रही है, देख तेरे को भयंकर बीमारी लग जाएंगी। तू मेरी बात मान, ये सब छोड़ दे यार। तू मेरा अच्छा दोस्त है ना, ये सब मत कर यार। अरे छोड़ना यार, कुछ नहीं होगा मुझे। मैंने क्या बोला, लेट आना, नहीं तो क्या यार, तू मुझे इंटरव्यू में डिस्टर्ब करेगा, समझ गया? अच्छा ठीक है विनोद, ऑफिस में मिलते हैं। ओके बाय बाय। अरे ये कहाँ चली गई? अरे बंदर, बंदर नहीं साहब, बंदर नहीं, मैं जोगिंदर हूँ, जोगिंदर जोगिंदर। अबे फर्क क्या पड़ता है, तू अकल से, शकल से, नकल से बंदर ही दिखता है। जोगिंदर ये कुदर तरीका है चाय मांगने का। अरे ओ बंदर, अरे ओ बंदर, यार तुम्हें कितनी बार कहेगी सुबह सुबह मुझे बंदर मत कहा करो। मेरा नाम जोगिंदर है, जोगिंदर है, जोगिंदर। मालूम है, मालूम है। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही, ये अपने साहब है ना साहब, अरे अपने साहब, उन्होंने सुबह सुबह कहा कि एक बाल्टी चाय लिया। यार मेरी समझ में नहीं आता कि यार ये साहब एक बाल्टी चाय डालेंगे कहाँ। अच्छा इसीलिए तू टेंशन में है। मुझे लगता है साहब जी आज चाय से नहाएंगे। और साहब अगर चाय से नहाएंगे ना तो उनका जो शरीर है ना, शरीर वो मिट्टा मिट्टा हो जाएगा। और जब वो ऑफिस में जाएंगे ना तो लोग उनको चाटेंगे चाटेंगे। अच्छा ऐसा है कि लोग तो साहब को ऑफिस में बाद में चाटेंगे, मैं साहब को पहले घर में चाटूंगी। खबरदार, सबको चाटा दो। क्यों? चाटना है तो मुझे ही चाटो, चाट चाट के चाटाओ। अरे मुझे चाटो यार, आज मैं पूरी चाय की बाल्टी से नहाने वाला हूँ। छी छी, चाटना है तो क्या तुझे ही चाटना है, जा जा। अरे छी छी क्या,
अरे मैं खुली वाला कुत्ता हूँ, जो मुझे चाटोगी तो खुली हो जाएगी। अगर तू कुत्ता होता तो मैं तुझे गोद में उठाती, बाजार में घुमाने ले जाती, तुझे किसी करती, मगर तू तो साला मर्द है। कमाल है यार, कुत्तों से इतनी मोहब्बत और मर्दों से इतनी नफरत। भगवान मुझे ना अगले जन्म में ना कुत्ता बनाना। कुत्ता धीरे बोलो, धीरे बोलो। अगर किसी कुत्ते ने सुन लिया तो तुम्हें वो ऐसा काटेगा कि कहाँ कहाँ इंजेक्शन लगते हैं कुत्ते के काटने से, तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। मुझे मालूम है। एक काम करो, पहले तुम बाजार जाओ, किसी कुत्ते से कटवाओ, फिर मालूम चलेगा कि इंजेक्शन कहाँ कहाँ लगते हैं, समझा? ओ कमाल है यार, मैं कुत्ता बनने की बात कर रहा हूँ और ये कुत्ता इसे कटवाने की बात कर रही है। अरे रामगढ़ की रामकली, याद रखना अगले जन्म में कुत्ता बनाना मैं तो सबसे पहले तुमको काटूंगा। और कहाँ कहाँ काटूंगा और कहाँ कहाँ इंजेक्शन में लगाऊंगा। May I come in, sir? Yes, come in, come in. आइए। Thank you, sir. Welcome. क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दुर्गा है। दुर्गा जी, ये कमाल का नाम है आपका। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके माता पिता कुछ धार्मिक किस्म के लोग हैं जो आपका नाम दुर्गा रख दिया। भाई आप जैसी खूबसूरत लड़की का नाम तो माधुरी, टिंपल, श्रीदेवी ऐसा कुछ होना चाहिए था। आपको आपकी खूबसूरती का एहसास नहीं है? खैर छोड़िए, अगर आपको आपकी खूबसूरती का एहसास नहीं है तो क्या हुआ, हमें तो है। आज से आपका नाम सोनाली। क्यों, अच्छा नहीं? अच्छा है ना। आज से हमारा सारा स्टाफ आपको सोनाली के नाम से बुलाएगा और आपकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीना। 5,000 रुपए? क्यों कम है? अभी तो आप 5,000 रुपए में काम कर लीजिए, कुछ महीनों बाद में 7,000 कर दूंगा, उसके बाद में 10,000 कर दूंगा। लेकिन क्या है कि थोड़ा दिल लगा के काम करिएगा और मुझे खुश करने की कोशिश करिएगा। सर मैं आपकी बात समझी नहीं। सोनाली जी आप बहुत खूबसूरत है, वो क्या है कि मुझे देखते ही आपसे प्यार हो गया। सोनाली जी देखिए, आज आप इस ऑफिस में काम मांगने आई हैं, कल इस ऑफिस की मालकिन होंगी। आज आप सरकारी बस में आई हैं, कल वो सामने खड़ी हुई इंपोर्टेंट कार आपकी होगी। सोनाली जी क्या है कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि बेटे जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखना तो उसे बहू बनाकर मेरे घर जरूर ले आना। ऐसा है सोनाली जी कि आप मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। सर मैं शादीशुदा हूँ। चलेगा चलेगा, शादीशुदा तो क्या हुआ सोनाली जी, कोई बात नहीं, सब कुछ चलेगा। एक दिन की तो बात है, एक दिन के लिए मेरी बीवी बन जाइए, मैं आपको पैसा, गाड़ी, मोटर सब कुछ दे दूंगा। मैं तुम्हारी एक दिन की बीवी? मिस्टर विनोद, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जिस औरत की औलाद है उसको भी ये नहीं मालूम कि आपका बाप कौन है। और हाँ, मेरे माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर मेरा नाम दुर्गा रखा है, आप जैसे अय्याश लोगों का सर्वनाश करने के लिए। और हाँ मैं जा रही हूँ, क्योंकि आपको मुझ जैसी दुर्गा की जरूरत नहीं है। क्या हुआ दोस्त? क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वही हुआ जो हमेशा होता है, लड़की फिदा हो गई मुझ पे, बोली कि लंच में बाहर मिलते हैं। ये गाल लाल क्यों है? गाल लाल क्यों? नहीं नहीं, वो गाल लाल दरअसल इसलिए है ना कि वो आई ना और सीधा मेरे गाल को पकड़ ली और किस करने लगी ना, इसलिए मेरे गाल लाल हो गए। दरअसल क्या है ना कि मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत बोला कि देखो ऐसा मत करो, ये ऑफिस है ना, मेरी जो पार्टनर है ना अमन साहब, उनको ये सब कुछ पसंद नहीं है। तो बोली कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बाहर मिलूंगी ना लंच में। देख दोस्त, तुझे एक सलाह देता हूँ, आज तो लड़कियां तेरे पीछे पड़ रही है, कल को तेरे पीछे भयंकर भयंकर बीमारियां पड़ जाएंगी। यार तू मुझको डराया मत कर। डरा नहीं, समझा रहा हूँ। तुम समझा नहीं रहे हो, दरअसल तुम मुझसे जलते हो। वो क्या है ना कि सारी लड़कियां मेरे ऊपर फिदा हो जाती है ना, इसलिए तुम मुझसे जलते हो। मैं और तुमसे जलता हूँ? यार मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए तुझे समझाता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। अरे सरकार, आपका फर्ज और आपकी नसीहत सर आंखों पर। अब आप अपनी नसीहत की दुकान बंद करिए और कुछ काम वाम की बात करें। काम और आप
चलो ठीक है, मिस्टर जगदीश को फोन लगा। अभी लगा। अरे ये तो विनोद का फोन है। हाँ विनोद, क्या हाल है? मैं जगदीश बोल रहा हूँ। हेलो जगदीश। अरे मैं विनोद बोल रहा हूँ यार। कैसे हो भाई? अपना तो बढ़िया हाल है, वही हड्डी वही खाल है। तू अपनी सुना। बस यार अपनी जिंदगी तो बस कट रही है। अरे तेरे को कौन सी प्रॉब्लम है? तेरा अच्छा खासा ऑफिस है, सोने जैसा घर है, चांदी जैसी बीवी है। भैया सोने जैसे चमकते हुए घर के पीछे बहुत अंधेरा है। बड़ा टेंशन में लग रहा है यार। हे विनोद, मुझे दे। एक मिनट जगदीश। हेलो। हाँ जगदीश। क्या हाल है अमन? ठीक हूँ। हाँ एक काम करना, मिस्टर मल्होत्रा से फाइल लेते आना। ओके ले आऊंगा। ओके ओके मन, बाय, बाद में मिलते हैं। हेलो डार्लिंग। नहीं वो, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। पर मुझे सुनो, क्यों क्यों मुझसे प्यार नहीं करते ये? क्यों मुझसे हमेशा दूर भागते हैं? क्या कमी है मुझ में? मैं किस तरह से हमेशा प्यासी नदी की तरह तड़पती रहती हूँ? क्या करूँ मैं? इस घर की दीवारें मुझे ताना मारती है कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता मुझसे। क्या करूं? मैडम, मैं साहब का नया बॉडीगार्ड हूँ। साहब ने कार की चाबी मंगाई है। मैडम, साहब ने कार की चाबी मांगी है। कार की चाबी साहब ने मांगी है। अरे आप आ गए? आप तो 8 बजे आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारे बिन मेरा दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सारी मीटिंग खत्म कर ली और तुम्हारे पास फटाफट दौड़ा दौड़ा आ गया। अब ये मत कह देना कि तुम्हारी तबीयत खराब है। अमन जी आप अपने काम पे ध्यान लगाइए, कहीं ऐसा ना हो मेरे चक्कर में आपका काम धाम ठप हो जाए। आपके बिन तो वैसे ही सब कुछ ठप है। सुधा मेरा मन तुम्हारे बिन कहीं नहीं लगता। अब तो आपको मेरे बिना दिल लगाना ही पड़ेगा। तुम्हारे बिन मतलब? माँ की चिट्ठी आई है, गाँव में वो सीढ़ियों से गिर पड़ी है और पैर में चोट आई है। डॉक्टर ने कहा है 2 महीना आराम करना पड़ेगा, इसलिए एक अच्छी बहू के नाते मैं उनकी सेवा करने जा रही हूँ। अरे अरे सुधा, तुम गांव में जाके करोगी क्या? रहोगी कैसे? एक काम करते हैं, माँ को हम यहीं बुलाते हैं। अच्छा आपको पता है ना, माँ गांव छोड़कर यहाँ नहीं आती है, उनको गांव से कितना लगाव है, वो कैसे आएगी यहाँ? ये बात तो सही है, बिल्कुल सही कह रही। फिर तो मुझे ही जाना पड़ेगा एक अच्छे बहू के नाते। ओहो, मतलब 2 महीने? यस। तुम्हारे बिना? यस। मर गए।